हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोबाइल की रिव्यूज पे। और दोस्तों, मैं हूँ स्टार कमल। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक सेट आया हुआ है जो कि रेडमी 9 प्राइम है। और दोस्तों, पहले मैं दिखा देता हूँ एक बोर्ड की कंडीशन कि उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। और ये देखिए, ये बोर्ड हमारा बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में, अभी कहीं से छेड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। और दोस्तों, मैं इसमें दिखा देता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। जैसे कि ये हमारा फ़ोन है, मैंने इसे बैटरी भी कनेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद मैं जैसे ही इसको ऑन करूंगा, ये हमारा फ़ोन फर्स्ट लोगों पे आएगा और उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। ये देखिए, हमारा फर्स्ट लोगों पे आया और इसके बाद ये बंद हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये ऑन नहीं होगा। और दोस्तों, दूसरी बात ये इसमें है कि जैसे ही मैं इसमें चार्ज कनेक्ट करूँगा, चार्ज कनेक्ट करने पर यह फिर रीस्टार्ट होगा, बार बार ये ऑन ऑफ करेगा। ये देखिए, अभी ये ऑन हुआ, फिर ऑफ हो गया, अभी फिर ऑन होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम है इसमें। और ये हमारा है रेडमी, रेडमी का जो है हमारा 9 प्राइम मॉडल है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। और मैं दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ठीक है, जिससे हमारी आने वाली जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम बेसिकली हमारी आती है यहाँ पे, ये जो हमारा एक बार मैं थोड़ा सा माइक्रोस्कोप भी ऑन कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये रहा मेरा माइक्रोस्कोप और मैंने इसको ऑन किया है और अभी मैं इसका सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों, मुझे शील्ड निकालनी होगी, ये हमारी जो शील्ड है, ये शील्ड को रिमूव करना होगा, ठीक है। तो पहले मैं स्केल को रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे इसका सॉल्व है। दोस्तों देखिए, ये हमारा जो ये हमारा 4G IP है, ये उसका शील्ड है। एक बार पहले मैं इस शील्ड को रिमूव करता हूँ, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मैंने ये शील्ड रिमूव कर लिया है इसका, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा भी बिल्कुल फ्रेश मदरबोर्ड था, ठीक है, देखिए बिल्कुल फ्रेश मदरबोर्ड है। और दोस्तों, इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा 2 रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2 रजिस्टर लगा हुआ है, एक रजिस्टर ये है दोस्तों, ये 10K का होता है, और ये जो है 390 के करीब होता है। तो दोस्तों, ये हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो इसी रजिस्टर की वजह से आती है, ठीक है। तो एक बार हम इसको रिमूव करके चेक करेंगे। देखिए, मैंने ये रजिस्टर रिमूव कर लिया है, ठीक है। और अभी इसको जो है हम वापस से मोबाइल पर फिक्स करेंगे और इसके बाद रिजल्ट चेक करेंगे कि हमारा देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
हमारे फ़ोन में जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो रजिस्टर था हमारा, रजिस्टर मैंने रिमूव कर लिया है और अभी मैं जो है इसको वापस से कनेक्ट करने वाला हूँ फ़ोन में। ठीक है, तो देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया है और अभी मैं इसमें चार्ज इंसर्ट करता हूँ। देखिए मैंने चार्ज इंसर्ट किया हुआ है और अभी इसका रिजल्ट देखते हैं। हमारा फ़ोन रिस्टार्ट कंडीशन में था बनाने से पहले और अभी देखिए हमारा फ़ोन जो है ये चार्जिंग लोगों पे आ गया है, मतलब हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, एक बार मैं फ़ोन को ऑन भी कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा फ़ोन बिना चार्जर के ऑन हो रहा है और ये फर्स्ट लोगो आया है और अभी इसके बाद हमारा फ़ोन आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, जो रिस्टार्ट वाली प्रॉब्लम थी और जो बिना चार्जर के ऑन करने पे जो हमारा फ़ोन बंद जाता था वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक कि हमारा फ़ोन कंप्लीट ऑन हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर चेक करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये हमारा फ़ोन रिस्टार्ट कंडीशन में था और बैटरी से सिर्फ एक बार लोगो आता था उसके बाद बंद हो जाता था। अभी हमारा फ़ोन कंप्लीट ऑन है। ठीक है, और प्रॉपर वर्किंग है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे हमारी आने वाली जो भी नेक्स्ट वीडियो को उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।